पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता से हमारे संवाददाता तारा सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनवाया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी वोट मांगने के लिए जनता में जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता में जा रहे हैं और क्या क्या जो है समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है। सर, किस तरह से जो है जनता में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वोट मांग? देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड जो हमने 5 साल का बनाया है, वो रिपोर्ट कार्ड अपने 5 साल के कामों का लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है विकास। पंचकुला 15 साल 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही। 15 साल के अंदर पंचकुला पूरी तरह से नेगलेक्टेड था। 15 साल के अंदर एक भी ईंट कांग्रेस ने या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर नहीं लगी। व्यक्तिगत उनके कारण थे, पर्सनल एनिमिटी थी, ग्रुपिज्म थी, कहीं शैलजा ग्रुप था तो कहीं हुड्डा ग्रुप था। उस कारण जो पंचकुला था पूरी तरह उपेक्षित हुआ। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पंचकुला के अंदर 2000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं लेकर के आए। वो हमने अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर दी है कि ये काम हमने पिछले 5 साल के अंदर की है और उनमें खास तौर पर 600 करोड़ रुपए की लागत से लगभग जो पंचकुला से यमुनानगर तक की 4 लेनिंग का काम था, पिछले 10-15 साल से पेंडिंग था। कोई कहता था कि फॉरेस्ट की NOC नहीं है, कोई कहता था डिफेंस की NOC नहीं है, एनवायरनमेंट की NOC नहीं है। ये सब बाधाएं दूर करके 1 साल के अंदर हमने ये शुरू कराया और आज 95% काम इसका 4 लेनिंग का पूरा हो चुका है। पर यहाँ के लोगों की एक समस्या ये भी है, भी रोज़गार के जो साधन अभी तक नहीं पहुँचे, तो क्या इसमें जो है आगे प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 5 साल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, नौकरियां दी हैं। आज नौकरियां भी जिस प्रकार से हमने दी हैं पारदर्शी तरीके से, ऐसे गरीब लोगों को जो शायद सोच भी नहीं सकते थे, पर लेकिन वो प्रतिभाशाली थे, वो मेरिट के अंदर थे, उनको पुरानी जो सरकारें थी इग्नोर किया। आज मैं समझता हूँ कि उन लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी है कि बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना किसी खर्ची के आज उनको नौकरियां मिली हैं। तो मैं समझता हूं कि नौकरियों के बारे में एक भ्रामक प्रचार, यहां तक कांग्रेस की बात है, 10 साल का उनका शासन रहा, केवल 19,500 नौकरियां उन्होंने दी। इंडियन नेशनल लोकदल का 5 साल का शासन रहा, केवल 8,500 नौकरियाँ उन्होंने दी, हमने 5 साल के अंदर 70,000 नौकरियाँ दी। ये थे हमारे साथ मौजूद पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि 5 सालों में बहुत से कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और आने वाले समय में पंचकुला की यूनिवर्सिटी की मांग है और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी काम करेंगे। पंचकुला से R9 के लिए तारा ठाकुर।